कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर मैसूर, मैसूर जो कि कर्नाटक में था उस टाइम पे। और हम जनरली पढ़ते, जब मैसूर की बात आती है तो हमको याद है कि चार वॉर हमने पढ़ा था, एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें हैदर अली का ब्रिटिशर्स के साथ में, फिर टीपू सुल्तान का ब्रिटिशर्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं वॉर होता है। तो ये तो हम बात कर लेते हैं बहुत ईजिली कि मैसूर का वॉर होता है, लेकिन ये आया कहाँ से, हैदर अली कहाँ से आया, मैसूर कहाँ से आया। तो हम देखते हैं कि बैकग्राउंड, जो इसका बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक विजयनगर किंगडम रहता है, वो हम साउथ का किंगडम है, हम सबको मालूम है। अब ये मिडिवल हिस्ट्री में आता है, अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री का, स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो विजयनगर किंगडम है, जब वो स्प्लिट होता है तो तीन पार्ट्स में वो स्प्लिट होता है। एक होता है ट्रेवनकोर, ट्रेवनकोर जो कि केरला में, उसके बाद तंजोर, तंजोर जो कि तमिलनाडु में है, और मैसूर, वी ऑल नो इट इज़ इन कर्नाटका, राइट। अब ये जो मैसूर वाला पार्ट है, ये कर्नाटका वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक डायनेस्टी थी, वो थी वडियार डायनेस्टी। और इस वडियार डायनेस्टी में किंग थे, उनका नाम था कृष्णराज टू। अब ये कृष्णराज टू जो किंग थे, इनके टू प्राइम मिनिस्टर्स थे उस टाइम पे, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, वो थे एक आपका देवराज और एक नंदराज। जो नंदराज जो था, इसी का एक सोल्जर था, उसका नाम था हैदर अली, मतलब हैदर अली तब तक किंग नहीं था। तो ये नंदराज जो था, इनका एक सोल्जर था, उस सोल्जर का नाम था हैदर अली। और फिर ये सोल्जर रहता है, फिर सेनापति बनता है, फिर जो भी मिलिट्री हेड, तो ये किसकी हेल्प से बनता है, ये राजमाता की हेल्प से बनता है। और फिर ये अपना बोलता है कि मैं हैदर अली जो है वो किल, मतलब ही किल्ड नंदराज, जो कि जो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर था, इसको ये मार डालता है, और राजमाता का इसको सपोर्ट मिलता है। और फिर ये बोलता है कि मैं श्रीरंगपट्टनम का हेड बनूंगा, और मैं इंडिपेंडेंट रूलर बनूंगा, और श्रीरंगपट्टनम को ये क्या बोलता है कि मैं कैपिटल अपनी बनाऊंगा, राइट। तो ये यहाँ तक का पॉइंट है, सब श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में है। तो ये एक बैकग्राउंड था कि हैदर अली कैसे आए, ये मैसूर का जो डायनेस्टी है वो कैसे आया, ये एक बैकग्राउंड, एक रफ मैंने आपको व्यू बता दिया, एक ब्रॉडली व्यू बता दिया। अब नेक्स्ट मैं बात करूं कि मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर। अब एंग्लो मैसूर वॉर जो है, पहली बात तो कि क्यों होता है। पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1767 से 1769 तक हुआ, दूसरा 1780 से लेके 84 तक, थर्ड जो है वो 1790 से लेके 1792 तक, और जो ये थर्ड था, ठीक है, और जो फोर्थ है, फोर्थ जो है वो 1799 में वॉर होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का रीज़न जो था वो ये था कि हैदर अली बहुत पावरफुल हो गया था, एंड जो उस टाइम पे सिर्फ मैसूर तो था, साथ में निज़ाम वहाँ पर थे और मराठा थे। तो निज़ाम आपको पता है हैदराबाद में थे, मराठा उधर महाराष्ट्र पुणे वाला रीजन जो था वहाँ पर थे। तो अगर इंडियंस जो है वो कंबाइंड साथ में रहते तो ब्रिटिशर्स उनको डिफीट नहीं कर पाते, बट हमारा ही क्या होता था, हम ही अपने में डिवाइड हो जाते थे और अपने पे भरोसा छोड़ करके हम ब्रिटिशर्स के गोद में जाके बैठ जाते थे। दैट वॉज द रीज़न कि इट लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, और फिर हम इंडियंस ही अल्टीमेटली क्या होता था, लॉस पे आते थे, हम ही बैटल को हारते थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स मोर पावरफुल होते गए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फियर ऑफ हैदर अली का जो पावरफुल हो रहे थे, तो ब्रिटिशर्स दे वर वेरी अफ्रेड ऑफ दिस। उसके बाद में क्या होता है कि हैदर अली जो है ही वॉज वेरी स्मार्ट, और उसने एसोसिएशन किया किसके साथ, निज़ाम के साथ किया और मराठा के साथ किया, ये देख सकते हो, मराठा के साथ और निज़ाम के साथ ही ज्वाइन हैंड्स, ठीक है, ठीक है, ये इंसिडेंट था। अब इसमें क्या हुआ, अब ऑफकोर्स यूनिटी हैज़ पावर, तो यहाँ पे निज़ाम हो गए, मराठास हो गए, हैदराबाद मतलब हैदर अली मैसूर के जो किंग थे ये साथ में हुए, और इसमें क्या हुआ कि दे डिफीटेड ब्रिटिशर्स, एंड इट एंडेड विद वॉट, इट एंड फिर इन्होंने मद्रास जो है उसको कॉन्कर कर लिया, और यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, यहाँ पे मराठा ट्रीटी लिखा है, बट ये मराठा ट्रीटी नहीं है, ये मद्रास की ट्रीटी होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, हैदर अली जहाँ पे जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स से, मद्रास की ट्रीटी होती है। अब नेक्स्ट, अब ब्रिटिशर्स का क्या रहता है कि वो ये देखते हैं, बहुत ग्रज कैरी करते हैं, और उनको ये रहता है कि कैसे ये विन कर लिए, कैसे इंडियंस जो है, वो तो इंडियंस को वैसे भी समझते थे बैकवर्ड हैं, हम इन पे रूल करने के लिए आए हैं, सो एंड सो। तो जो सेकेंड वॉर होता है वो 1782-84 होता है, और ये जो आप देख रहे हो एरिया, ये पुडुचेरी हो गया, कराईकल हो गया, और इधर माहे था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो अटैक करते हैं कहाँ पे, माहे,
क्योंकि ये माहे जो है वो उस टाइम पे फ्रेंच सेटलमेंट थी। अच्छा, एक बात और थी कि जो हैदर अली था या फिर टीपू सुल्तान था, दोनों के रिलेशंस फ्रेंच के साथ बहुत ही अच्छे थे। तो दिस वाज आल्सो रीज़न कि ब्रिटिशर्स दे यूज टू थिंक कि दे विल बिकम मोर पावरफुल, ऑलरेडी दे आर गोइंग ज्वाइनिंग हैंड्स विद दीज निज़ाम एंड मराठास, एंड देन अगर फ्रेंच भी साथ हो गए तो दे विल बी मोर पावरफुल एंड इट विल नॉट बी ईजी फॉर अस टू कॉन्कर देम, इट विल नॉट बी ईजी फॉर अस टू एस्टेब्लिश पावर ओवर इंडिया। सो ब्रिटिशर्स दे रोज आउट ऑफ इट, उनको मतलब एक वेकनिंग कॉल था कि नहीं इस पे हमको कॉन्कर करना है। अब जो इसने अपनाया था उस टाइम पे हैदर अली जो था कि वो निज़ाम और मराठा को साथ लेके आते हैं, अब सेम चीज़ जो है ब्रिटिशर्स करते हैं कि मराठा और निज़ाम में मतलब वो अगेंस्ट हैदर अली कर देते हैं वो वहाँ पर। और एक पोर्टोनोवा का वॉर होता है ये, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हम देखते हैं कि ये जो वॉर रहता है ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट होम, अगेंस्ट हैदर अली, दिस वॉज नोन एज पोर्टोनोवा वॉर। और ऑफ कोर्स यहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए तो हैदर अली क्या होंगे, हैदर अली विल बी डिफीटेड एंड ही विल बी इंजर्ड। अब वो इंजर्ड हो गए तो टीपू सुल्तान ही विल कम इन टू प्ले, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रीटी मतलब दिस विल एंड इन पीस, ना तो जीतते हैं ना हारते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, मैंगलोर इक्वालिटी पे एंड होता है बैटल, और यहाँ पे मैंगलोर की ट्रीटी होती है। इसके पहले मेड्रास की ट्रीटी हुई थी, अभी मैंगलोर की ट्रीटी होती है। ठीक है, अब होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे तो 1790 से लेकर 1792 तक होता है। यहाँ पर टीपू सुल्तान जो रहता है वो ग्रो करता है। टीपू सुल्तान जो है यहाँ पर क्या होता है कि नेपोलियन कहा जाता है उसे, जैसे फ्रांस में नेपोलियन था वैसे टीपू को मानते हैं ब्रिटिशर्स की वॉज नेपोलियन, लाइक नेपोलियन इंडियन नेपोलियन था वो। और यहाँ पर एसोसिएशन होता है टीपू सुल्तान का फ्रेंच के साथ में, और टीपू जो है वो अटैक कर देता है ट्रावनकोर पर। ये अटैक ट्रावनकोर, इसके पहले हम देखते हैं ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं कहाँ पर, माहे पे करते हैं। और यहाँ पर ट्रावनकोर पे जब वो अटैक करता है, ट्रावनकोर कहाँ पर, केरला में ट्रावनकोर पे अटैक करता है, तो टीपू सुल्तान जो एक कॉर्नवालिस है वो, और ये एक थ्रीवुड फॉर्म करता है कॉर्नवालिस जो रहता है वो प्लस मराठा और निज़ाम, और यहाँ पर टीपू सुल्तान जो है वो हार जाते हैं। और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की क्या होती है, ट्रीटी होती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड बैटल जो है, यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी, हाफ ऑफ द स्टेट वॉज गिवन टू होम ब्रिटिशर्स, और टीपू के सन्स जो हैं वो गिरवी रख दिए गए थे। टीपू कहा गया आप इतना फाइन दोगे तब जाके आपके बेटों को हम छुड़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब फोर्थ बैटल जो है 1799 का, अब तक काफ़ी मैसूर जो एरिया था इनका काफ़ी वीक हो गया था, टीपू भी काफ़ी वीक हो गया था। और टीपू जो है वो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि फ्रेंच विल हेल्प देम, और फ्रेंच के पास जाता है और वो हेल्प मांगता है। मगर क्या होता है कि यूरोप में क्या हो गया रहता है कि वहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिश एक हो जाते हैं, तो फिर जब वो उनके मेन राजा एक हो जाते हैं तो यहाँ पर ये सोचता है कि इन लोग सोचते हैं कि हम क्यों मतलब साथ देंगे इंडियंस का, जब हमारे राजा ही फ्रेंच और इंग्लिश एक साथ हो गए हैं। तो नेपोलियन के साथ होता है और वेलेसली चाहता है कि ये सब्सिडियरी अलायंस कर ले टीपू, बट टीपू ऐसा करता नहीं है और फ्रेंच भी हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि टीपू को जो है इन लोगों ने क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। फ्रेंच जो है डिड नॉट हेल्प टीपू और ये अटैक कर देता है, और श्रीरंगपट्टनम में टीपू को मार दिया जाता है, और एक वडियार डायनेस्टी के एक रूलर को, एक माइनर को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, गद्दी पर बैठा दिया जाता है। और ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि देखो हमने तो मतलब जो वडियार डायनेस्टी तुम्हारी थी और ये मैसूर वाले आके उसको अटैक किए थे, तो हमने तुम्हारे रूलर को बचाया है, हमने तुम्हारी डायनेस्टी को बचाया है, हमने मैसूर डायनेस्टी को किल कर दिया। सो दे बिकेम गुड इन फ्रंट ऑफ द इंडियंस, इन द आइज ऑफ द इंडियंस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट।